क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रविंद्र जडेजा की तीसरे दिन की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम ने 96 रनों से आगे खेलना शुरू कर दिया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से मिले 338 रनों के पहले दिन के स्कोर का पीछा करते हुए इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन 2 विकेट खोकर 96 रन बना लिए थे और आज तीसरे दिन भारतीय टीम ने उससे आगे खेलना शुरू किया। भारतीय टीम के लिए आज तीसरे दिन मैदान में बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे मैदान में बल्लेबाजी करने आए हैं, लेकिन यह दोनों ज्यादा देर तक मैदान पर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे पारी के 55वें ओवर में पैट कमिंस के शिकार बने। अजिंक्य रहाणे ने 70 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली। वही उनके बाद बल्लेबाजी करने आए हनुमा बिहारी भी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक खराब रन लेने के चक्कर में हनुमा बिहारी भी केवल 4 रन बनाकर रन आउट हो गए। हनुमा के बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत एक बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर गजब की साझेदारी खड़ी करी। इसी बीच बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे चेतेश्वर पुजारा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों ने मिलकर 87वें ओवर तक भारतीय टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया, लेकिन पारी का 88वां ओवर डालने आए जोस हेजलवुड ने ऋषभ पंत को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कराया। ऋषभ पंत ने 67 गेंदों में 36 रनों की लाजवाब पारी खेली। उनके तुरंत ही बाद सेट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को पैट कमिंस ने टीम पेन के हाथों कैच आउट कराया। पुजारा ने 170 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली, लेकिन ऋषभ पंत के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने एक छोर से धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं निभा पा रहा था। एक छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी को रविचंद्रन अश्विन से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी एक खराब रन लेने के चक्कर में बस 10 रन बनाकर रन आउट हो गए। वही अंत में बल्लेबाजी करने आए भारतीय गेंदबाज भी कुछ बड़ी पारियां नहीं खेल पाए, लेकिन दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ने फिर आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने हर एक ओवर में चौका लगाना शुरू कर दिया। दूसरे छोर पर भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके चलते सारा दबाव रविंद्र जडेजा के ऊपर आ गया था, लेकिन उन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अंतिम विकेट के लिए भी 24 रनों की साझेदारी बनाई। रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में 33 गेंदों में 28 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन पारी के 101वें ओवर में मोहम्मद सिराज को पैट कमिंस ने आउट कर दिया, वरना तो रविंद्र जडेजा इससे भी बेहतर पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लीड को कम कर देते, लेकिन भारतीय टीम 244 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसके चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 94 रनों की एक बड़ी बढ़त भारतीय टीम के ऊपर बना ली है। तो दोस्तों, आप रविंद्र जडेजा की इस जुझारू पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।